हे गाइस, दिस इज सैफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि खानदानी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस फाइनल बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो दरअसल ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है, और शायद आपको कुछ बातें याद हो, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जितना डिग्री होता उतना उसके पास जीरोस होता है। आप जरा गौर फरमाओ इसका डिग्री क्या है। डिग्री वैसे कहते हैं किसको है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर जो होता है दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलीनोमियल। ओके, तो गौर फरमाइए, एफ एक्स इक्वल दे रहा है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो आप जरा गौर फरमाओ इसका डिग्री कितना होगा, 4। तो डिग्री 4, अभी मैंने कहा जितना डिग्री उतना जीरोस, तो डिग्री 4 है तो जीरोस कितना होगा, 4 जीरोस होगा। जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। तो जरा बताओ मुझे डिग्री यहां पे -√2 है, आप देख पा रहे हो। शायद आपको बातें याद हो, हम लोग क्या करते थे कि जो जीरोस देता था ना उसको हम लोग फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एफ एक्स दे रहा है, पॉलीनोमियल जो दे रहा है उसका वो फैक्टर होता था। कहने का सेंस क्या है, जरा गौर फरमाओ, √2 और -√2 दो जीरोस हैं, तो √2 का मतलब क्या हुआ, √2 का मतलब हो गया आपका एक्स -√2। हाँ या ना, और -√2 का क्या मतलब हुआ, एक्स +√2। और याद करिए हमने बोला था कि इसका जो प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। और ये जो देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपका उस पॉलीनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, विल बी, यहां लिख देता हूं, विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन आपको दे रहा है, जो पॉलीनोमियल दे रहा है। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर का मतलब हुआ क्या कि जो आपके पास एफ एक्स दे रहा है उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। कंप्लीट डिवाइड करने का क्या सेंस, कि रिमाइंडर जीरो आएगा। जरा गौर फरमाइएगा, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, है ना। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। शायद आपको बात याद हो कि कभी भी डिवाइड में क्या देखा जाता है कि शुरू वाला टर्म ना आपका कैंसिल होना चाहिए। तो आप बताओ यहां पे शुरू में एक्स स्क्वायर है, यहां शुरू में क्या है, 2x⁴। तो बताओ एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 2x⁴ आएगा। तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, यहां पे x⁴ के पहले 2 है, मतलब बेशक ये तो 2 से तो करना ही पड़ेगा सर। और बताओ यहां पे x का स्क्वायर मतलब 2x है, यहां पे x⁴ मतलब 4x, मतलब x इंटू x इंटू x 4 है। तो बताओ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और से करेंगे, मतलब x स्क्वायर से और करेंगे, तब तो x⁴ आएगा। तो इस 2x स्क्वायर से क्या करना है, x² माइनस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा, 2x⁴, और फिर 2x² को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका -4, क्या होगा, -4x³। क्लियर है, 4x³ कर दिया मैंने, सॉरी 2x² से हमने x सॉल्व किया तो 2x³ आ गया, और फिर 2x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 -x², मतलब इस 2x² से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कर दिया, साइन चेंज करेंगे, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये तो आपका कैंसिल हो गया, आया ना। क्या बच गया यहां पे, -3x³, और 4x² -3x² क्या हो जाएगा, +x² प्लस 6x माइनस 2। क्लियर है। अब फिर बताओ यहां x² है, मेरे को लाना है -3x³, यहां x² है, लाना क्या है, -3x³। तो बेशक हम यहां पे -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, -3x³, और फिर -3x इंटू -2 आपका हो जाएगा +6x। तो यहां +6x हो जाएगा, बात समझ में आ रही है नहीं। ये -3x से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ऐसा आया, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, साथ ही ये भी आपका कैंसिल हो गया। क्या बचिए यहां पे, x² और -2।
अब बताओ जरा मुझे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट टर्म किसी भी कीमत पे कैंसिल होना चाहिए। तो आप बताओ ना जरा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लाना भी वन एक्स स्क्वायर है, तो बेशक हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस, ये कट गया, रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। बातें समझ में आई ना, मैंने यहां पर डिवाइड किया। अब जरा मुझे बताओ, यहां पे जो कोशेंट आया, पहले तो देख लो, हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या होगा, फैक्टर होगा, तो फैक्टर क्या मतलब क्या हुआ, उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब बताओ वो फंक्शन जो है उसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया ना, जीरो आया ना, यही मतलब होता है फैक्टर। अब जो कोशेंट आया उस कोशेंट को इक्वल टू जीरो कर देना है, और इक्वल टू जीरो करने के बाद आपको जो एक्स का वैल्यू आएगा वही रिमेन्स जीरो कहलाएगा। मतलब कहने का सेंस, जरा देखो यहां पे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन है, मैं भी क्या कह रहा हूं कि कोशेंट को इक्वल टू जीरो करेंगे और एक्स का जो वैल्यू होगा वो इसका जीरो होगा। आप बताओ यहां पे डिग्री कितना है, डिग्री टू है, और जब डिग्री टू है तो बेशक जीरो कितना होगा, दो, और क्वेश्चन तो हमारा क्या है, हमारा इतना क्वेश्चन है। अब जरा बताइए कि डिग्री यहां पे तो चार है, जीरो जीरोज हमारा कितना होगा, चार होगा, जिसमें दो जीरोज हमें मालूम है, और फिर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो जीरोज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री तो यहां दो है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो केवल दो ही ना आएगा। तो गौर फरमाइए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो रूल होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कहते हैं श्री धारा चार्ज फॉर्मूला। तो आप बताओ मुझे, क्या ऐसा लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। अब कहोगे सर माइनस टू एक्स को माइनस, और यहां प्लस है ना, तो माइनस टू एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स, इतनी तो बातें आप समझ रहे हैं, हाँ या ना। अब इसमें क्या करना है, पेयर बनाकर कॉमन ले लेना है। तो आप मुझे बताओ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में आप टू एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन, फिर आप इसमें कॉमन क्या लोगे, माइनस एक्स माइनस वन है तो कुछ कॉमन तो है नहीं, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, मतलब इसमें कॉमन क्या आएगा, माइनस वन होगा, यहाँ पे कॉमन नहीं है तो माइनस वन ले लेंगे, तो एक्स हो जाएगा, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो उसके बाद वाला जो टर्म होता है उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे बताओ माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस वन है, सॉरी ये प्लस वन था, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। आप बताओ फिर इसमें एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इधर करोगे आप तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स का वैल्यू वन आया, फिर यहां पे इधर करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल वन, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, वन बाई टू। अब बताओ हमने तो क्वेश्चन क्या करा, फाइंड ऑल द जीरोस, फाइंड ऑल द जीरोस, हमें तो सारा जीरोस मालूम करना है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, ऑल जीरोस इक्वल या रिक्वायर्ड जीरो जो अपना लिखना नहीं सकते हो, ऑल जीरोस क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस रूट टू, और अभी मेरे को क्या आया, वन और वन बाई टू, और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। सारी बातें मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं बातें से समझ में आई होगी। मैं फिर से वही बात कह दूं कि अगर कोई भी जीरोस दे रहा हो ना तो आप पहले आप उसका फैक्टर निकालो, और फैक्टर निकालने के बाद उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट हो उसके इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू जो आप फाइंड करोगे वही आपका जीरोस कहलाएगा। तो यहां पर सारी बातें क्लियर है, अगर अच्छा लगा समझ में बात आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।